चित्र में आप देख रहे हैं अलग अलग तरह के प्लास्टिक के सामान। तो आज हम प्लास्टिक के बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो बच्चों, आज हम जानेंगे व्हाट इज प्लास्टिक। पॉलीमर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, फॉर एग्जांपल एथिलीन, एसिटिलीन एट्सेट्रा आर कॉल्ड प्लास्टिक। अर्थात रासायनिक रूप से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स जैसे एसिटिलीन, एथिलीन आदि के उच्च अणुभार के जो बहुलक होते हैं वो प्लास्टिक पदार्थ कहलाते हैं। अब ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अर्थात असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? देखिए, वे हाइड्रोकार्बन मतलब जो पदार्थ कार्बन से बन, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनमें कार्बन होता है, सी सी के बीच में बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हो जाते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बनिक पदार्थों के बहुलक, अब बहुलक मीन्स इंग्लिश में पॉलीमर मीन्स जो कार्बन का जो पदार्थ होगा उसके बहुत सारे अणु मिलकर आपस में बहुलक बनाएंगे अर्थात पॉलीमर बनाएंगे। पॉलीमर में अणुओं की संख्या 10, 20, 50, 100, 1000 कितनी भी हो सकती है। इस प्रकार ये पदार्थ प्लास्टिक होते हैं। बेकेलाइट, नायलॉन, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड आदि जो हैं प्लास्टिक के एग्जांपल्स हैं। आपने देखा होगा कि कुछ प्लास्टिक गर्म करने पर तुरंत पिघल जाते हैं जबकि कुछ प्लास्टिक पिघलते नहीं हैं जल्दी से, जैसे कुकर के हैंडल वगैरह, ये जल्दी से नहीं पिघलते हैं, आसानी से नहीं पिघलते। सो इनकी हार्डनेस और इनके मेल्टिंग पॉइंट के आधार पर हम इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है थर्मोप्लास्टिक। जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं इस तरह के प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं और जब इन्हें ठंडा किया जाता है तो ये फिर से कड़े हो जाते हैं, फिर गर्म करें तो फिर से मुलायम हो जाते हैं। इस तरह से ये क्रिया बार बार हम रिपीट कर सकते हैं, गर्म करने पर मुलायम हो जाएंगे, ठंडा करने पर कड़े हो जाएंगे, इसलिए इनका प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं। पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड इत्यादि जो हैं वो थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल्स हैं। सेकंड नंबर पर आता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इस तरह के प्लास्टिक भी गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर कठोर और खुरदरे हो जाते हैं, लेकिन इन्हें गर्म करने पर दोबारा से मुलायम नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल बेकेलाइट, जो कुकर के ढक्कन में, हैंडल में जो पदार्थ इस्तेमाल होता है वो बेकेलाइट होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हम दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि नॉन स्टिक बर्तन होते हैं तो उन पर तेल और जल चिपकता नहीं है, तो उनको बनाने के लिए एक टेफ्लॉन नाम के एक स्पेशल प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है। टेफ्लॉन की परत लगाई जाती है नॉन स्टिक बर्तन पर,